कालचिनी ब्लक प्रशासन अनि व्यवसाय समिति को संयुक्त समझदारी में लिएको फैसला अनुरूप आज सोमवार कालचिनी हेमिल्टनगंज गारोपारा र राजाभात खवा क्षेत्र में साप्ताहिक लकडाउन पालन गरियो। प्रस्तुत छ संवाददाता प्रदीप लामा को रिपोर्ट। कोरोना परिस्थिति को कारण कालचिनी ब्लक प्रशासन र कालचिनी व्यवसाय समिति को संयुक्त पहल में आज देखि सप्ताह में एक दिन आरम्भ भएको छ। आज सोमवार कालचिनी ब्लक प्रशासन र कालचिनी व्यवसाय समिति को संयुक्त पहल में नै कोरोना परिस्थितिलाई नियन्त्रण गर्न संक्रमण बढेर नजाओस् भन्दै सप्ताह में एक दिन सोमवार को दिन पारेर यो लकडाउन गर्ने जुन चाहिँ फैसला लिएको थियो त्यो अनुरूप आज बिहान देखि नै कालचिनी को संपूर्ण दोकान पाटहरू भने सामान्य गाड़ी को आवाजाउ हेरिरहेको छ भनेदेखि दोकान पाट नै अहिले लकडाउन को कारण संपूर्ण रूप से आज बंद राखे। इस बारे सुनौ हमी कालचिनी व्यवसाय समिति का जनरल सेक्रेटरी सुमित गोयल ले के भन्छ। मेरा नमस्कार। कोरोना पैंडेमिक के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए कालचिनी व्यवसाय समिति, कालचिनी पुलिस प्रशासन और ब्लॉक प्रशासन के साथ विगत मंगलवार को हम लोग ने एक बैठक किया और बैठक के बाद हम लोग ने निर्णय लिया कि इस पैंडेमिक के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए हम लोग सप्ताह में एक दिन संपूर्ण रूप से लॉकडाउन रखेंगे। तो हम लोग ने सोमवार का दिन निर्धारित किया। उसी क्रम में आज से हम लोग ने पूर्ण रूप से एक दिन का लॉकडाउन पालन कर रहे हैं कालचिनी व्यवसाय समिति। और साथ ही में हम लोग के साथ इस बार साथ दे रहे हैं हेमिल्टनगंज व्यवसाय समिति भी हम लोग का साथ है। गारोपाड़ा, राजा भातखावा, जयगांव, दलसिंहपाड़ा, हाशीमारा सभी हम लोग एक दिन का पूर्ण लॉकडाउन पालन कर रहे हैं। ये क्या सप्ताह में एक बार होगा? हाँ, सप्ताह में एक दिन। और दूसरे दिनों में 10 बजे से लेकर 5 बजे तक का लॉकडाउन हम लोग पालन करेंगे। 10 बजे से 5 बजे तक दुकान खुले रहेंगे और सुबह और शाम के 5 बजे के बाद दुकान पर फिर से बंद हो जाए। इसको लेके ब्लॉक प्रशासन ने क्या कहा आप लोगों को? ब्लॉक प्रशासन हम लोग का पूर्ण रूप से सहयोग कर रहा है। व्यवसाय समिति भी ब्लॉक प्रशासन के साथ पूर्ण रूप से कंधे मिलाकर इस पैंडेमिक को रोकने के लिए कार्यरत। आपका परिचय? जनरल सेक्रेटरी कालचिनी व्यवसाय समिति।